Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. Today is your first class for drawing. और आज की क्लास के अंदर जो है वो हम ड्राइंग से रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज, ड्राइंग एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट आर मटीरियल दैट वी नीड फॉर दिस. एक एच बी पेंसिल चाहिए और एक टू बी पेंसिल चाहिए. दीज आर द टू पेंसिल्स दैट वी आर गोइंग टू बी यूजिंग. इसके अलावा जो है दिस स्केच बुक. स्केच बुक से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि दिस इज़ एन A3 साइज स्केच बुक. ज़रूरी नहीं है आपको यही ब्रांड लेना हो, आप कोई सा भी ब्रांड ले सकते हैं. एज लॉन्ग एज द कैनवस ऑफ द कैनवस साइज ऑफ द स्केच बुक इज A3. ठीक है जी, यहाँ पे A3 मैंशन हुआ हुआ है. इसी की तरह इसी तरीके से इफ़ यू ओपन दिस अप, हम जब इस स्केच बुक को ओपन करेंगे तो इसका जो पेज मटीरियल है दैट इज स्कॉलर शीट. ठीक है जी, तो आपने जो स्केच बुक खरीदनी है वो स्कॉलर शीट वाली होनी चाहिए. मैंने मटीरियल लिस्ट के अंदर भी मेंशन किया हुआ था. नाउ आपने करना क्या है वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं इन पेंसिल से रिलेटेड. ये काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो इस फील्ड में आते हैं दे आर नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि ये पेंसिल्स के नंबर्स की क्या अंडरस्टैंडिंग है, और उनको थोड़ा सा इसके बारे में क्लियर नहीं होता. तो मैं बताता चलूँगा आपको कि एच बी पेंसिल जो है उसके बाद फिर 2B, फिर 3B, फिर 4B, 5B, 6B एंड सो ऑन. इस किस्म की आपके डिफरेंट नंबर्स की पेंसिल्स होती हैं. जितना आपका छोटा नंबर होगा, एच बी का जो लेड है, बिकॉज दिस इज़ अ लेड पेंसिल, तो ये जो लेड है इसकी बेसिकली जो हार्डनेस है उस ये उसको डिफाइन कर रहा होता है कि इफ एच बी पेंसिल हैज मोर हार्ड लेड इन इट. ठीक है, तो इसी तरीके से जब 2B में जाते हैं तो लेड की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी और सॉफ्ट होती जाती है, एंड 3B में और सॉफ्ट हो जाता है, 4B में और सॉफ्ट हो जाता है एंड सो ऑन. तो इसका फायदा ये होता है कि जब आप लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं ऑन योर पेपर ऑन स्केच बुक, तो जितने बड़े नंबर की आपकी आपकी पेंसिल होगी उतनी ही डार्क लाइन जो है वो आपके पेपर के ऊपर ड्रॉ होगी. ठीक है जी, तो अभी हम क्या करेंगे, हम 2B पेंसिल लेंगे, HB पेंसिल को हम साइड पे कर दें. अगर आप HB से भी प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, 2B से करना चाहें 2B से भी कर सकते हैं, तो आप दोनों के साथ एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं. नाउ दिस इज योर कैनवस, दिस इज एन A3 साइज कैनवस स्केच बुक. यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पाइरल साइड. ठीक है, बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ ड्रॉइंग, इफ यू आर राइट हैंडेड, अगर आप राइट हाथ से लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो मेक श्योर कि ये जो स्पाइरल साइड है ये आपके राइट हैंड के लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए. ठीक है जी, ये जो स्पाइरल साइड है, दिस स्पाइरल साइड शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर राइट हैंड. इसी तरीके से इफ यू आर लेफ्ट हैंडेड, अगर आप लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करते हैं तो ये जो स्पाइरल साइड आपको यहां पर दिख रही है ये आपके लेफ्ट साइड पे नहीं होनी चाहिए, ये आपके राइट साइड पे होनी चाहिए. ठीक है जी, इसकी रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम राइट हैंडेड, ठीक है, एंड दिस स्पाइरल साइड इज ऑन द राइट साइड ऑफ माई राइट हैंड. तो होता क्या है कि वेन यू रीच ऑन टू दिस पार्ट एंड यू हैव टू एंड इफ यू हैव टू ड्रॉ ओवर हियर, सो माई हैंड इज गोइंग टू गेट एक्चुअली यू नो टैंगल्ड विद दीज वायर्स दैट यू सी ओवर हियर. तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, मेरा हाथ जो है वो यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्ब होगा, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकूँगा. जबकि अगर ये इस साइड पे हो तो आई कैन ईजिली ड्रॉ ऑन टू दिस साइड. ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन जी. आपने करना ये है कि आपने अपनी पेंसिल ली, मेक श्योर दैट यू आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट पॉस्चर. ठीक है, आप बिल्कुल सीधे बैठे हुए हैं. स्केच बुक शुड बी ऑन द टेबल. ठीक है, इट शुडन्ट बी स्लांटेड, यू नो इट शुडन्ट बी इन अ स्लांटिंग पोजिशन लाइक दिस. और इस तरीके से इसको मत रखें, बिल्कुल स्ट्रेट बैठे. स्केच बुक भी जो है वो आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है. एंड द नेक्स्ट थिंग वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टार्ट ड्रॉइंग लाइन्स. आपने ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है. स्टार्ट ड्रॉइंग वर्टिकल लाइन्स लाइक दिस. ठीक है, थोड़ा सा वंस यू हैव मेड वन लाइन, तो आपने नेक्स्ट लाइन जो है
उसके बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ करनी है एंड मेक श्योर कि उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो एज इक्वल एज पॉसिबल हो। ठीक है, स्टार्ट मेकिंग दी स्ट्रेट लाइंस। कोशिश यही करनी है कि आपकी लाइन जो है वो एज स्ट्रेट एज पॉसिबल हो। आई नो के शुरू में जो है वो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है एंड देन दे कंप्लेन अबाउट द फैक्ट कि जी हमसे स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। तो कॉन्सेप्ट यही है कि यू हैव टू जस्ट स्टार्ट ड्रॉइंग, बेशक आपकी लाइन टेढ़ी बन रही है या सीधी बन रही है, बिकॉज यू कैन नॉट मेक अ स्ट्रेट लाइन विदाउट द हेल्प ऑफ अ स्केल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट द पॉइंट इज कि आपने लर्न करना है कि ये जो हाथ है ये आपका फ्लो में रहे व्हेन यू आर ड्रॉइंग। ठीक है जी, तो ये आपने स्टार्ट मेकिंग दीज वर्टिकल लाइन्स लाइक दिस। ठीक है, एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस काम को करें, बिकॉज अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम और आपकी लाइन जो है वो यहाँ से जाते जाते शायद ऐसे हो जाए। तो पॉइंट ये है कि अगर आपकी लाइन जो है वो यहाँ से जाते हुए अगर टेढ़ी हो रही है तो यू आर नॉट सपोज टू यूज एन इरेजर। आपको इरेजर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और मैंने पहले मेंशन कर दिया यू जस्ट नीड दिस स्केचबुक एंड दिस पेंसिल्स, यू विल नॉट इरेज एनीथिंग। यू विल मूव ऑन एंड यू विल स्टार्ट ड्रॉइंग द नेक्स्ट लाइन, उसको आप इम्प्रूव करें एज यू गो ऑन, स्टार्ट मेकिंग दीज लाइन्स एज स्ट्रेट एज पॉसिबल। ठीक है जी, ऑल राइट, वंस यू हैव मेड ऑल दीज वर्टिकल लाइन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो अब आपने क्या करना है, द सेम थिंग यू आर टू डू फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट, आपने लाइन्स को ड्रॉ करना है। यू कैन सी ओवर हेयर दैट आई एम मेकिंग दीज लाइन्स इन दी हॉरिजॉन्टल पोजिशन। ठीक है जी, नाउ मेक श्योर कि वेन यू आर ड्रॉइंग तो आप पेंसिल जो है वो बीच में लिफ्ट अप ना करें लाइक दिस। आप आई मीन दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट, मेक श्योर दैट यू मेक एन एंटायर कंप्लीट लाइन इन वन गो। ऑल राइट, यू कैन सी वेरी क्लियरली ओवर हेयर, ये बेसिकली आपने जो है वर्टिकल लाइंस जो ऊपर से नीचे आ रही हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स दी राइट साइड, सो यू हैव टू मेक इट इन दिस वे। वी विल नाउ प्रोसीड टू प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर टू। यहाँ पे पिछली बार की जो लाइंस आपने ड्रॉ की थी उससे थोड़ा सा हम काम डिफरेंट करेंगे। इफ यू सी क्लोजली तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि ये सारी जो लाइंस जो ऊपर वाली हैं ये डार्क हैं, उसके बाद जो है तमाम लाइंस जो हैं वो लाइट में हो रही हैं, उसके बाद दोबारा से डार्क टोन आ रही है, उसके बाद दोबारा से लाइट टोन्स आ रही हैं, डार्क्स लाइट्स एंड देन अगेन डार्क। ठीक है जी, तो यहां पे हो ये रहा है कि पहले आपने जो है वो अपनी पेंसिल से जो लाइन ड्रॉ आप करना शुरू करेंगे तो यू हैव टू अप्लाई मोर प्रेशर एंड देन रिलीज द प्रेशर फॉर द लाइटर टोन, देन यू हैव टू अप्लाई मोर प्रेशर, रिलीज द प्रेशर, अप्लाई द प्रेशर, रिलीज द प्रेशर एंड अप्लाई द प्रेशर। तो इसका पूरा कैच ये है कि वेन यू आर ड्रॉइंग तो आपको कहीं पे जो है वो मोटी लाइन की रिक्वायरमेंट होती है तो यू हैव टू अप्लाई मोर प्रेशर, कहीं पे आपको लाइटर टोन की रिक्वायरमेंट होती है तो आप वहां पे जो है वो पेंसिल को
के ऊपर जो आप प्रेशर बिल्टअप करते हैं वो आपने कम रखना होता है। इसी तरीके से ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको हेल्प आउट करती है कि आप जहां पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कहां पे आपको कितना प्रेशर अप्लाई करना है और कहां पे आपको जो पेंसिल की जो टोन है वो लाइट रखनी है। तो आई विल कंटिन्यू मेकिंग दीज लाइन्स, ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज टू मेक इट। अच्छा, इसमें जो अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, व्हाट दे डू इज कि वो पहले एक डार्क लाइन बनाएंगे, देन दे विल लिफ्ट अप द पेंसिल, फिर वो लाइट लाइन बनाएंगे ऐसे, एंड देन दे विल लिफ्ट अप द पेंसिल, वो दोबारा से डार्क लाइन बनाएंगे, दे विल लिफ्ट अप द पेंसिल, दोबारा से लाइट बनाएंगे, लिफ्ट अप द पेंसिल। सो दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट। द राइट वे इज कि आपने पेंसिल को एक ही गो में डार्क और लाइट टोन्स करनी है। ये वर्टिकल लाइंस मुकम्मल हो गई हैं। अब हमने इसको मुकम्मल करने के बाद हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है, और वो भी लाइट्स एंड डार्क्स के अंदर, डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क। सो इट्स गोना गो लाइक दिस। आप यहाँ पे बड़ा क्लियरली देख सकते हैं, आपको डार्क्स और लाइट्स और डार्क्स और लाइट्स जो हैं वो बड़ा क्लियरली दिख रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपने इस तरीके से करनी है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। थर्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर जो है आपने थोड़ा सा डिफरेंट करना है पिछली प्रैक्टिस एक्सरसाइज से। आई विल जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू। यू विल स्टार्ट ड्रॉइंग these waves. कोशिश करें कि इन waves के अंदर जो फासला है वो as equal as possible रहे, because this is part of your exercise. You will keep drawing these waves like this. Once you are done with these horizontal lines that are being यहाँ पे जो बनाई हुई हैं, ये काम जब आपका खत्म हो जाए तो now you are supposed to make the vertical waves. Like this. You can see very clearly over here all the waves, the vertical waves that are coming and the horizontal waves that you see over here. So this is how you're supposed to do it. This is the fourth and the last practice exercise that you need to do. ये आपकी चौथी practice exercise है और ये आखिरी practice exercise है जो आपने करनी है। इसमें भी आपने basically waves ही बनानी है but with darks and lights. मैं आपको एक करके दिखा देता हूं। इस वेव का ऊपर का हिस्सा डार्क होगा और नीचे का हिस्सा डार्क होगा। और जी हमारी हॉरिजॉन्टल जो है वो वेव्स मुकम्मल हो गई हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि वेव का ऊपर का हिस्सा और वेव का नीचे का हिस्सा जो है वो डार्क टोन्स में है, बीच वाला एरिया जो है वो आपको लाइट दिख रहा है। डार्क लाइट, सॉरी, दिस इज डार्क, दिस इज लाइट, दिस इज डार्क, दिस इज लाइट एंड दिस इज डार्क। सो इस तरीके से आपने बनाना है, ठीक है जी। इसी तरीके से आपने अब दोबारा वर्टिकल
वेव्स बनानी है, और उसका भी सेम वही प्रोसीजर है जिस तरीके से आप अपनी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं. सो इट्स गोना बी डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट एंड देन डार्क. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो वेव्स हैं ये डार्क और लाइट टोन्स के अंदर है. वेव का ऊपर का हिस्सा जो है वो डार्क है, उसके बाद वेव के जो बीच वाले हिस्से हैं वो लाइट हैं, और वेव का नीचे वाला हिस्सा फिर से डार्क है. तो इसी तरीके से जो है वो आपने लाइट्स और डार्क्स के अंदर जो है ये वेव्स क्रिएट करनी है. एंड दिस वॉज योर फोर्थ एंड फाइनल प्रैक्टिस एक्सरसाइज. ऑलराइट जी, जैसे कि आपने देख लिया है, आप लोगों को मैंने चार प्रैक्टिस एक्सरसाइज की वीडियो ट्यूटोरियल्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको बना के दिखाया है. तो अब आपका काम ये बनता है कि ये जो चार प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बताई हैं, ये आपने अपनी स्केच बुक में दो दो बार बनाना है. ठीक है जी? सो यू हैव टू ड्रॉ दीज प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस इन योर स्केच बुक ट्वाइस. ईच ऑफ द फोर एक्सरसाइज यू हैव टू प्रैक्टिस इट ट्वाइस. अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन करते हैं जी कि हमने स्केचबुक जो है वो एक इसकी फ्रंट साइड है, ठीक है, और एक इसकी बैक साइड बनती है. ठीक है जी? तो आपने बैक साइड को जो है उसको आपने जाया नहीं करना, बिकॉज दीज स्केचबुक्स आर प्रिटी एक्सपेंसिव. तो आप एक जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज बना रहे हैं उसकी बैक साइड पे वही प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपने रिपीट करनी है. ठीक है जी? मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं. दिस इज दी फर्स्ट वन. ठीक है, यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज दी फर्स्ट वन. यहां पे आपने जो है वो स्ट्रेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो आपने लाइंस ड्रॉ की हैं. ठीक है, एंड दिस इज द रेगुलर वन. नंबर टू के अंदर आपने सेम प्रैक्टिस एक्सरसाइज की है, बट दिस टाइम यू हैव टू अप्लाई द डार्क्स एंड द लाइट्स ओवर हियर इन द वर्टिकल लाइंस एज वेल एज द हॉरिजॉन्टल लाइंस. द थर्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज इज द वेव्स वन. ठीक है, आपने वर्टिकल वेव्स बनानी है और हॉरिजॉन्टल वेव्स ड्रॉ करनी है. और जो फोर्थ वन है उसके अंदर भी आपने वेव्स ड्रॉ करनी है, बट दिस टाइम यू हैव टू मेक द लाइट्स एंड डार्क्स ओवर हेयर. वेव का ऊपर वाला हिस्सा डार्क होगा और नीचे वाला हिस्सा डार्क होगा, बीच में जितना एरिया आ रहा है दैट विल बी लाइट एंड टोन. ठीक है जी? आई होप आई एम वेरी मच क्लियर. तो दिस वॉज योर लाइन प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर ड्रॉइंग. इसका मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज का मकसद ये है कि जब आप ड्रॉइंग कर रहे होते हैं तो एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस यू हैव टू अप्लाई मोर प्रेशर ऑन योर पेंसिल फॉर अ डार्कर लाइन और अ डार्कर टोन, और इवन इफ यू हैव टू मेक शेडोज और इस किस्म की चीजें बनाने के लिए जो है वो आपको पेंसिल पे अपना प्रेशर जो है वो ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है. सिमिलरली इफ यू वॉन्ट अ लाइटर टोन तो फिर यू कैन मेक अ लाइटर लाइन एज वेल. ठीक है जी? वेव्स बनाने की रीजन ये है कि जैसे कि आपको पता है कि ड्राइंग जो है उसके अंदर सारी स्ट्रेट लाइंस तो नहीं होती हैं, वी हैव कर्व लाइन एज वेल. ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने से आपका हाथ जो है वो और फ्लो में आएगा, और फ्लो में आने का मकसद यही है कि व्हेन यू आर डूइंग अ प्रॉपर ड्राइंग, या आप कोई स्केच ड्रॉ कर रहे हैं, या आप कोई ड्रेस डिजाइन कर रहे हैं, या आप कोई फैशन क्रोकी बना रहे हैं, तो उसमें आपको ये हेल्प आउट करेगी. ठीक है जी? आई होप आई एम वेरी मच क्लियर. इफ देर आर स्टिल एनी क्वेश्चन या कोई आपके जहन में कुछ सवाल हैं तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क. जी, थैंक यू सो मच.